हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा टॉपिक ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा पे है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम पूरा डिटेल में इसका हार्ट कैसे होता है, हार्ट होता है कि नहीं होता है, अगर नहीं होता है तो हार्ट का काम कौन करता है, और हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और कैसे कैसे बॉडी में जो है ब्लड को सप्लाई करती हैं। और एक नई चीज़ इसमें आपका हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, जो कि एडवांस कैरेक्टर है जो कॉर्डेट में पाया जाता है, उसकी भी शुरुआत हुई है। तो ये सारी बात हम आज के वीडियो में वन बाय वन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि जो ब्रैंकियोस्टोमा का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है वो कैसा होता है। ब्रैंकियोस्टोमा का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड होता है, और अगर हम बात करें तो इसके ब्लड में कोई भी पिगमेंटेड जो है पिगमेंट नहीं पाया जाता है। जैसे हम लोगों की बॉडी में ब्लड में पिगमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन, उसी की तरह यहाँ उसी के जैसे इसके ब्लड में कोई भी जो है पिगमेंट नहीं पाया जाता है। मतलब उसके हमारे जस्ट अपोजिट, कॉर्डेट का जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता है। दूसरी बात हम कर लें तो जो ब्लड है वो कलरलेस है, क्योंकि पिगमेंट नहीं है तो कोई कलर नहीं है। और जो भी आपका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है क्लोज्ड है, हार्ट की लेक है, मीन्स हार्ट अब्सेंट इन ब्रैंकियोस्टोमा। और हार्ट का काम यहाँ पे देखा जाए तो साइनस विनोसस करता है। साइनस विनोसस में सभी जगह से मतलब पोस्टीरियर एंटीरियरली सारा जो भी ब्लड है वो आकर के आपका साइनस विनोसस में कलेक्ट हो जाता है, और उसके बाद साइनस विनोसस से फिर ब्लड आपका हम देखेंगे फेरिंग्स रीजन में भेजा जाएगा। तो जो भी आपका O2 CO2 का एक्सचेंज है वो यहाँ पे ब्लड में हो जाएगा, मीन्स ब्लड का काम है O2 CO2 का एक्सचेंज करना, एक्सक्रीटरी वेस्ट का ट्रांसफ़र करना, और आपके जो भी डाइजेस्टिव, क्योंकि हम जानते हैं हमारा डाइजेस्टिव डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और ये तरह के जो हमारे एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं इनको जो है सप्लाई करना, ये हमारा ब्लड का काम होता है। तो वन बाई वन अब हम इसके जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की फिगर को देखेंगे, और सबसे पहले हम एक एक वेसल के बारे में जो है स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आइए, द नंबर वन इज साइनस विनोसस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हार्ट की अब्सेंस है। हार्ट की अब्सेंस है तो इट मीन्स अब जो रिदम का काम है, मीन्स जो फ्लो का काम है, ब्लड को फ्लो करने का काम है, वो अब यहाँ पे इसकी जो वेसल्स हैं वो खुद ही जो है कॉन्ट्रैक्ट और वो करेंगी, मतलब खुद ही जो है आपका मूवमेंट करेंगी, ब्लड को मूवमेंट प्रोवाइड करेंगी इसकी खुद की वेसल, क्योंकि यहाँ पे हार्ट अब्सेंट है। तो हार्ट का काम यहाँ पे साइनस विनोसस कर रहा है। यहाँ पे मैंने सभी बुक से थोड़ा सा डिफरेंट साइनस विनोसस को इसलिए बनाया है क्योंकि ये जो साइनस विनोसस का एरिया थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट होता है बॉडी का, और यहाँ पे जो ब्लड है पोस्टीरियर से अगर हम बात करें, एंटीरियर से अगर हम बात करें, तो सारा ब्लड और जो है यहाँ पे आकर के कलेक्ट होता है। कौन सा ब्लड अब हम बात करें यहाँ पे कलेक्ट होता है, तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे मैंने फिगर में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लैक कलर से दिखाया है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैंने रेड कलर से दिखाया है, क्योंकि आपको पता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में जो है ब्लू कलर का होता है, मीन्स कि वहाँ पे आपका अब ऑक्सीजन का यूज़ जो है बॉडी में कर लिया गया है और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में छोड़ दिया गया है। तो पोस्टीरियर की तरफ से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड साइनस विनोसस में कलेक्ट होगा, एंटीरियर की तरफ से जो है कलेक्ट होगा, और कलेक्ट होने के बाद फिर इसको अगेन एंटीरियर जो है कहाँ भेज दिया जाएगा, फेरिंग्स में। फेरिंग्स में क्यों भेजा जाएगा, क्योंकि फेरिंग्स में आप जानते हैं कि वाटर में जो है O2 की प्रेजेंस है, और उस वाटर से हम अब O2 और वाटर की जो प्रेजेंस है वो सबसे ज़्यादा आपके फेरिंजियल गिल्स रीजन में है, तो गिल्स में ही आपके O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा। CO2 को जो है छोड़ दिया जाएगा और फिर जो भी ऑक्सीजन है उसको ब्लड में ले लिया जाएगा, और ऑक्सीजन लेते ही जो हमारा ब्लड है वो किस कलर से हो जाएगा, अगेन रेड कलर से हो जाएगा। तो होप सो आपको छोटी मतलब अभी तक का जो मैंने ये बताया वो समझ में आया होगा। आइए एक बार हम बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, मतलब अगर हम बात करें एक आम भाषा में इसको समझ लें, क्योंकि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जब आपको बिल्कुल नॉर्मली समझ में आ जाता है तो साइंटिफिक वे में तो आप उसको अपना लिख ही लेंगे। तो नॉर्मल भाषा में समझिए, बिल्कुल एकदम सिंपल अगर हम बात करें तो साइनस विनोसस इज अ प्लेस जहाँ पे सारा ब्लड कलेक्ट होगा। अब ब्लड कलेक्ट कहाँ से होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली हमारी जो वेन है सब इंटेस्टाइनल वेन से पीछे से वेन आती है जिसको हम लोग कॉडल वेन बोलते हैं।
आपको पता है कॉडल मीन्स पीछे वाला हिस्सा, मतलब कॉडल से आने वाली वेन, और फिर ये सब इंटेस्टाइनल में कैसे बदल गई, क्योंकि ये इंटेस्टाइन, ये जो है आपके ये इंटेस्टाइन से जो भी मटेरियल है, ये इंटेस्टाइन से जो भी आपका ब्लड है कलेक्ट किया गया, किससे, सब इंटेस्टाइनल वेन से। और इस ब्लड को कलेक्ट करके ये आप देख रहे हैं, ये मेरी बस इसी को रो को देखते जाइए, ये तो ये आप देखेंगे इस तरीके से, फिर ये डाइवर्टिकुलम में चला गया है ब्लड। और जब ब्लड वेसल डाइवर्टिकुलम में गई है, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो आपका है एडवांस करेक्टर है, मींस कॉर्डेटा के करेक्टर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जैसे आपके हायर कॉर्डेट्स में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है, मींस आपके हिपैटिक यानी लीवर से जो सिक्रीट होने वाली चीज़ें हैं वो ब्लड में मिला दी जाती हैं, तो लीवर से जो भी चीज़ यहाँ पे सिक्रीट होगा वो ब्लड में मिक्स हो जाएगा। और अगेन ये देखिए, अगेन ये जो है फिर आकर के साइनस विनोसस में मिल गई और फिर ये एंटीरियर की तरफ चली जाएगी। तो सब इंटेस्टाइनल हो गए, लेमैन भाषा में अभी हम समझा रहे हैं, वन बाई वन करके अभी हम आपको साइंटिफिकली भी बताएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपकी पेराइटल वेन, तो पेराइटल वेन आपका जो भी पीछे से अब मायोटोम्स हमारे हैं, या हमारे पेरीफेरी से जितना भी हमारा कॉर्डल रीजन से मायोटोम ये सबसे ब्लड है इसको लेकर के आएगा और डायरेक्ट अपना साइनस विनोसस में दे देगा और फिर ये ब्लड एंटीरियर की तरफ वेंट्रल एओर्टा से भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे होंगे फिर अगेन इसी इंटेस्टाइनल प्लेक्सस से जो है ये एक आर्टरी जा रही है, सॉरी एक वेन जा रही है। वेन हम यहाँ पे इसलिए बोलेंगे क्योंकि वेन इज वेन कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मींस ब्लैक ब्लड। अगर हम यहाँ पे देखें तो वेन कैरीज ब्लैक ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसलिए यहाँ पे ब्लैक कलर से दिखाया है, इसलिए हम इसको वेन बोल रहे हैं और रेड वाले को हम आर्टरी बोल रहे हैं जो है, क्योंकि इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे आप देखिए, अब आपका ये यहाँ पे आकर के पोस्टीरियर और एंटीरियर की तरफ से, एंटीरियर की तरफ से क्या, वेलम से, आपके व्हील ऑर्गन से, बक्कल सीरी, जितनी भी ये सबसे जो भी कलेक्ट हो रहा था ब्लड वो आकर के यहाँ पे दो वेन आपकी कंबाइंडली मिक्स हो गई। और इसी कॉम्बिनेशन को देखिए टी, ये इंग्लिश के टी अक्षर में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, क्योंकि ये पोस्टीरियर से एंटीरियर से, तो जब पोस्टीरियर वाली वेसल होगी जो है वेन होगी तो हम उसको बोलेंगे पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, एंटीरियर वाली जो वेन होगी उससे हम लोग बोलेंगे एंटीरियर कार्डिनल वेन। दोनों आकर के जुड़ गई और उसने अपना ब्लड कहाँ डाल दिया, साइनस विनोसस में डाल दिया। अब जब सारा ब्लड साइनस विनोसस में, मेरे ख्याल से मैंने आपको लगभग सारा बता दिया, पेराइटल वेन से ब्लड आ गया, आपका कॉर्डल वेन, सब इंटेस्टाइनल वेन से हिपैटिक, अब ये वाली वेन को हम हिपैटिक वेन बोलेंगे क्योंकि ऊपर वाली वेन, हिपैटिक वेन से सारा ब्लड आ गया साइनस विनोसस के पास। अब ये जो ब्लड है साइनस विनोसस से वेंट्रल एओर्टा में भेज दिया जाएगा, ये वेंट्रल एओर्टा एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी में डिवाइड हो जाएगा, और एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी में डिवाइड होने के बाद ये हमारे फेरिंग्स रीजन यानी गिल्स रीजन में अब ब्लड की सप्लाई देंगे। किसके जरिए देंगे, आपके यहाँ पे जो ये एक सीधी जो मैंने इस तरीके से रेड और फिर यहाँ पे आधे में आकर के रेड है, फिर इधर ये मेन, ये हमारी मेन जो ब्लड वेसल है, इस तरीके से मैंने आपको भी पिछले भी वीडियो में बताया, ये एक एक ब्लड वेसल है और फिर फर्दर ये सेप्टा में जो है डिवाइडेड है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हम डिटेल में साइंटिफिकली इनके नाम सब बताएंगे आपको, लेमैन लैंग्वेज में भी हम समझ रहे हैं। तो इस तरीके से ये पोस्टीरियर से गया और सेप्टा से इसने बगल बगल में अपने ब्लड को दिया, तो यहाँ पे O2 CO2 का एक्सचेंज हो रहा है, और CO2 का और CO2 का एक्सचेंज होने के बाद, O2 लेने के बाद, ये सब इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी से कलेक्ट कर लिया गया। और यहाँ पे आपको ये कुछ बल्ब जैसे दिखाई दे रहे होंगे, ये बल्ब यहाँ पे जो है रिदम करने का काम करते हैं, मीन्स कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं जिससे जो है ब्लड तेजी के साथ यहाँ पे जाए, ठीक है। बट ये बल्ब नहीं है, ये आपके नेफ्रिडियल सिस्टम है, मीन्स आपका एक्सक्रिटरी सिस्टम है। नेफ्रिडिया आपको पता है, नेफ्रिडिया क्या होता है, नेफ्रिडिया मतलब आपका जो भी आपका एक्सक्रिटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रिटरी सिस्टम की यूनिट को हम लोग नेफ्रिडिया बोलते हैं, मतलब किडनी की यूनिट को हम लोग नेफ्रिडिया बोलते हैं। तो यहाँ पे ये नेफ्रिडियल सिस्टम है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे जो भी ब्लड हमारा गया, अब देखिए O2 CO2 का एक्सचेंज करके यहाँ पे हमने एक गंदगी तो साफ कर ली, मीन्स CO2 दे दिया, O2 ले लिया, दूसरी गंदगी हमने यहाँ पे साफ कर ली।
अब आपको पता है कि जो भी आपका यूरिया से रिलेटेड चीजें होंगी वो भी यहाँ पे जो है एक्सक्रीट आउट कर ली गई ब्लड में, और जो भी प्योर ब्लड है वो प्योर ब्लड अब डॉर्सल एवर्टा में चला गया। अब ये डॉर्सल एवर्टा, ये आपको यहाँ पे एक डॉर्सल एवर्टा ऊपर और एक नीचे दिख रहा होगा, इसीलिए क्योंकि ये अब जाकर के कैरोटिड आर्टरी में चेंज हो जाएगा, और ये कैरोटिड आर्टरी एंटीरियर की तरफ वेलम, बक्कल सीरी, इन सबको ब्लड सप्लाई करेगी, और जो ये दोनों पीछे की तरफ मेन वेसल बन जाएंगी। अब ये मेन वेसल जाकर के इंटेस्टाइन को, ये मेन वेसल जाकर के डॉर्सल एवर्टा की आपके जो है वो मायोटोम्स को, फिर पीछे जाकर के आपके कॉडल और इन सबको ब्लड सप्लाई करेंगी। साथ साथ ये जो हमारा ब्लड है, तो जो आपके यहाँ पे नीचे वेंट्रल की तरफ फोल्ड पाए जाते हैं उसे हम लोग मेटाप्लूरल फोल्ड बोलते हैं। तो आपका मेटाप्लूरल फोल्ड और फिंस में इन ब्लड को छोड़ दिया जाता है, और कलरलेस होने की वजह से हम लोग उसको लिम्फ बोलते हैं कि वहाँ पे ये लिम्फ जो है बह रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में वो लिम्फ नहीं होता है जो आपका कॉर्डेट एनिमल में पाया जाता है। तो अब वन बाय वन करके हम लोग, होप सो आपको मेरा ये पूरा समझ में आया होगा, वन बाय वन करके अब हम साइनस विनोसस, देन कार्डिनल वेन, हिपैटिक वेन, पेराइटल वेन, वेंट्रल एवर्टा, एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी, इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी और कैरोटिड आर्टरी को वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है इस सीरीज में साइनस विनोसस। तो मैंने आपको बताया साइनस विनोसस इज थिन वॉल्ड, ये थिन वॉल्ड होता है आपका, और अगर हम इसकी प्रेजेंस की बात करें तो इट प्रेजेंस जस्ट बिलो द मिडगर्ड डाइवर्टिकुलम और जस्ट बिलो द फेरिंजियल रीजन, फेरिंजियल रीजन के पास मिड, क्योंकि आपको पता है मिडवर्ड डाइवर्टिकुलम जो होता है वो एंटीरियरली हमारा फेरिंक्स रीजन में ही निकला हुआ, मतलब गया घुसा हुआ होता है, धंसा हुआ होता है। तो आपका साइनस विनोसस की जो प्रेजेंस हो गई, वो प्रेजेंस हो गई आपकी जस्ट बिलो द फेरिंक्स और जस्ट बिलो द मिडगर्ड डाइवर्टिकुलम एंड फेरिंजियल रीजन, फेरिंक्स और मिडगर्ड डाइवर्टिकुलम के ठीक नीचे साइनस विनोसस पाया जाता है। एंड इट दिस पोजीशन इज द कलेक्शन ऑफ ब्लड, ये सभी जगह, ये पोजीशन आपकी सभी जगह का ब्लड का कलेक्शन करने की जो प्लेस है। एंड इट पोर ब्लड इन टू द वेंट्रल एवर्टा, तो ये अपने ब्लड को वेंट्रल एवर्टा की तरफ भेज देता है। तो होप सो आपको साइनस विनोसस समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट है वेंट्रल एवर्टा। तो आइए हम वेंट्रल एवर्टा के बारे में देखें। तो वेंट्रल एवर्टा इज लॉन्गिट्यूडनल वेसल, ठीक है, वेंट्रल एवर्टा हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेसल है और इज सिचुएटेड वेंट्रल पोजीशन में है, क्योंकि आप एनिमल को ऐसे देखेंगे तो ये इसका डॉर्सल रीजन हो गया, ये एनिमल का वेंट्रल रीजन हो गया, और ये एंटीरियर रीजन हो गया, तो हम बोलेंगे द वेंट्रल एवर्टा सिचुएटेड जो है आपका वेंट्रली, और वेंट्रली इसकी पोजीशन होती है और ये एंटीरियर की तरफ रन कर रहा है, मतलब अब ये साइनस विनोसस की तो एंटीरियर है। एंड इट पोर ब्लड इनटू द फेरिंक्स वाया एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज, इट पोर ब्लड इनटू द एफरेंट ब्रैंकियल, सॉरी यहाँ पे आर्टरी लिख गया था, ये वेन होगा क्योंकि आपको पता है ब्लैक कलर से है तो ये वेन होगा, ठीक है, तो एफरेंट ब्रैंकियल वेन में ये भेज देगा। अब एफरेंट ब्रैंकियल वेन जो है आपका वो फर्स्टली ये आपका जो गया प्राइमरी गिल बार को जो है ब्लड सप्लाई करेगी, फिर आपके सेकेंडरी गिल बार को सप्लाई करेगी, यहाँ पे जो आपके ये बल्बस रीजन है ये कुछ बल्ब जो है बल्बस रीजन में कन्वर्ट हो गया है, जो कि रिदमिकली आपके जो है ब्लड को फ्लो करने का काम करेंगे। एंड इट डिवाइडेड इनटू, मैंने आपको बताया कि जो वेंट्रल एवर्टा है ये आगे की तरफ डिवाइड हो जाएगा एफरेंट ब्रैंकियल वेन में, और ये सब अपने मसल कॉन्ट्रैक्शन से जो है आपके गिल्स को ब्लड सप्लाई करेंगी। अब ये प्राइमरली गिल बार को सप्लाई करेगी, फिर ये सेकेंडरी गिल बार को सप्लाई करेगी, और फिर ये जो मेन वेसल है ये फर्दर आपके सिनेप्टिकुलम में डिवाइड हो गई है, और सिनेप्टिकुलम में डिवाइड होने के बाद ये गिल को जो है ब्लड सप्लाई करेगी, और ये ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। साथ ही साथ हम देख लें कि वेंट्रल एवर्टा को सब इंडोस्टाइलर वेसल भी बोला जाता है, क्योंकि आपका इंडोस्टाइल की जो प्रेजेंस होती है वो भी आपके वेंट्रल रीजन में ही होती है, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडोस्टाइल इन वेंट्रल रीजन दिस ब्लड वेसल इज कॉल्ड सब इंडोस्टाइलर वेसल। तो होप सो आपको मेरी यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट
अब हमने ये पढ़ लिया कि साइनस विनोसस से ब्लड वेंट्रल एवर्टा में आ गया, वेंट्रल एवर्टा से एफरेंट ब्रेंकियल वेन से ब्लड जो है वो हमारे दिलबार में चला गया। नाउ अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा ये डॉर्सल एवर्टा के बारे में। तो नेक्स्ट हमारी वेसल हो गई डॉर्सल एवर्टा। तो फर्स्ट वेसल ये है, सेकेंड हमारी है वेंट्रल एवर्टा, थर्ड हमारी है डॉर्सल एवर्टा। तो देखिए ये मैंने आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो गिल्स होते हैं वो लेटरली दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं, मतलब बॉडी के लेफ्ट साइड में भी। सपोज ये मेरा ये हाथ जो है एनिमल है, अब एनिमल को आप ऐसे देख रहे हैं तो ये लेफ्ट साइड हो गया, तो ये गिल्स की प्रेजेंस आप इसको गिल्स मान लीजिए और इसके पीछे भी गिल की प्रेजेंस होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था गिल की प्रेजेंस लेटरल जो है लेटरली और ऑन ईच साइड दोनों तरफ होती है। तो ये बीच में गिल्स यहाँ भी हैं और ये अगर हम बात करें तो गिल्स इधर पीछे भी होंगे। तो केवल वेसल्स, अभी जो ये वेसल नीचे की तरफ से आई तो यहाँ पे ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, तो ये इसने अभी इधर वाली वेसल को दिया है, सेम उसी तरीके से ये पीछे वाली वेसल को भी सप्लाई देगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो डॉर्सल ये दो दो क्यों दिखाया हुआ है, ये टू, ये जो ब्लैक कलर से देख रहे हैं आप, ये टू दिख रहा है। तो एक तो एंटीरियर वाली हो गई, मतलब एक आपका नॉट एंटीरियर, एक आपकी लेफ्ट साइड वाली है, एक इसके पीछे वाली वेसल है, एक लेफ्ट आगे लेफ्ट साइड वाली वेसल है, एक इसके पीछे वाली वेसल है। तो उसी तरीके से यहाँ भी आपको दो दिख रहे हैं, दो यहाँ पे दिखाने होंगे इस तरीके से। तो अगर मैं बात करूँ रेड कलर से बनाऊँ, क्योंकि आपका ये आर्टरी है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से, ठीक है, दो होंगी, एक पीछे वाली और एक ये आगे वाली। तो होप्स आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। आप दोबारा से ऐसे हैंड को देखिए, तो एक आपका गिल स्लिट ये हो गया, एक गिल स्लिट ये रेड कलर का पीछे हो गया। तो गिल स्लिट से भी जो है इस तरीके से वेसल्स गई हैं और एंटीरियर से भी आपकी वेसल्स गई हैं, लेकिन इधर वाली वेसल का इधर वाली वेसल कभी मिक्स नहीं होती है। आप ये सोचें कि ये जा करके ऊपर कहीं मिक्स हो जाएगी, नहीं, ये अलग रन कर रही है, ये अलग रन करती है, ये अलग रन करती है और ये इसके पीछे वाली अलग रन करती है। दोनों आकर के इस तरीके से ये ऐसे, ये फूला हुआ भाग समझिए, तो ये अपना वाला ब्लड सप्लाई अपने जो है वेसल से करता है, ये अपनी वाली ब्लड सप्लाई अपने वेसल से करती है। तो होप्स हो आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में इस तरीके से बताना चाहूँ, तो सपोज ये आपका फेरिंजियल रीजन है, ये आप इसको फेरिंग्स मान लीजिए। तो जब यहाँ पे हम एक देंगे तो ये अभी हम ये आगे से दे रहे हैं, मतलब राइट साइड से, तो एक पीछे से भी तो होगी, एक जो पीछे की तरफ, फिर एक आगे, एक जो है लेफ्ट साइड वाली, तो एक राइट साइड वाली पीछे, फिर एक राइट साइड वाली, एक लेफ्ट साइड वाली। तो इसी तरीके से कलेक्ट करने वाली भी ऐसी ही होगी, एक जो इसको कलेक्ट करेगी, एक जो पीछे वाले को कलेक्ट करेगी, एक इसको कलेक्ट करेगी, एक पीछे वाले को कलेक्ट करेगी, एक इसको। थोड़ी दूर तक क्या होता है, ये सब अलग अलग ही रन करते हैं और बाद में जा करके थोड़ी दूर तक इन्होंने अलग अलग रन किए, बाद में जा करके ये एक हो गए। आई होप, मुझे लगता है होप सो आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कॉन्सेप्ट की, दोनों तरफ जो है ये अलग अलग हैं। तो डॉर्सल एवर्टा में अब हम देखेंगे, तो मैंने आपको बताया कि अब जो भी ब्लड है यहाँ पे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुका है, इसीलिए मैं रेड कलर का दिख रहा है। इसमें से जब हमारी एक आर्टरी है ये कैरोटिड आर्टरी में चेंज हो जाएगी और ये कैरोटिड आर्टरी हमारे जाकर के बक्कल सीरी, वेलम और ओरल होड, इन सबको ब्लड सप्लाई, यानी हमारे एंटीरियर वाले पार्ट को ब्लड सप्लाई करेगी। ऐसा नहीं है कि जो कैरोटिड वाली आर्टरी जा रही है उसके भी आपके यहाँ पे इस तरीके से नेफ्रिडिया पाए जाएंगे। तो ये नेफ्रिडिया समझिए पीछे वाले का मैंने दिखाया है, ये आगे आपका लेफ्ट साइड का, और ये जो गोल गोल मैंने अभी रेड कलर के बना दिए ये पीछे वाले के नेफ्रिडिया हैं। आई होप सो बात समझ में आ गई होगी। तो आपके ये जो ब्लड आर्टरी आगे की तरफ जाती है इस तरीके से, अब ये ब्लड प्योर हो चुका है, जो भी ब्लड आपका आगे की तरफ गया उसको जो है एक अगेन आपके एक प्लक्स से होकर गुजरना पड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रिडियल प्लक्सेस बोलते हैं, ठीक है, नेफ्रिडियल, ठीक है, इसको हम लोग नेफ्रिडियल प्लक्सेस बोलते हैं, जिसकी बात मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में करूंगी। अब आपका जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है वो भी आपका यहाँ पे रिमूव आउट हो चुका है, और रिमूव होने के बाद अगेन ब्लड प्योर हो गया है। अब ये ब्लड एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी से कलेक्ट कर लिया गया और ये एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी पीछे की तरफ आकर के, ये कैरोटिड आर्टरी तो आगे निकल गई, ये कैरोटिड आर्टरी पीछे की तरफ और ये इफ्रेंट ब्रेंकियल आर्टरी आकर के मेन जो है मेन डॉर्सल एवर्टा में कन्वर्ट हो गई। अब ये मेन डॉर्सल एवर्टा पीछे की तरफ बढ़ रहा है और ये सबसे पहले हमारे इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करेगा।
ठीक है, तो सबसे पहले ये इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई किया, तो यहाँ पे इसने एक इंटेस्टाइनल प्लेक्सस बनाया, क्योंकि अब ये शुद्ध ब्लड है। अब ये इस तरीके से पीछे जाएगा, मायोटोम्स को ब्लड सप्लाई करेगा, मायोटोम्स को ब्लड सप्लाई करने के बाद मेटाप्लूरल फोल्ड को ब्लड सप्लाई करेगा, मेटाप्लूरल फोल्ड को, देन मायोटोम्स को, कॉडल वाले हिस्से पूंछ को, सबको जो है ये ब्लड सप्लाई करेगा। तो होप सो आपको डॉर्सल एवोल्टा मेरा समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने क्या किया, साइनस विनोसस से शुरू किया था और अब हमने अपने ब्लड को प्योर कर लिया है। अब हम देखेंगे कि जो ब्लड इस तरीके से बॉडी को दिया जा चुका है, हम उसको कैसे कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले कलेक्ट करने में हमारी जो जो है, अब आपका वेन का नाम है, उसका नाम है इंटेस्टाइनल, जो है सब इंटेस्टाइनल वेन, और यहाँ पे सब इंटेस्टाइनल प्लेक्सस बन रहे हैं। प्लेक्सस का मतलब है ये प्योर ब्लड आया, अब ये प्योर ब्लड यूज कर लिया गया यहाँ पूरे इंटेस्टाइन से, और जो भी इम्प्योर ब्लड है वो इम्प्योर ब्लड आपका सब इंटेस्टाइनल वेल में कलेक्ट, ये कलेक्ट करने वाली वेसल है। तो ये कलेक्टिंग है, ये कलेक्टिंग वेसल है, ये कलेक्टिंग वेसल है। सब इंटेस्टाइनल वेन में ब्लड कॉडल से भी कलेक्ट होकर के आता है, और ये कलेक्ट होने के बाद सब इंटेस्टाइनल वेन आपकी, इसकी प्रेजेंस भी वेंट्रल साइड में होती है अगर हम बात करें, और वेंट्रल साइड से ये एंटीरियर की तरफ अब आगे बढ़ती है। अब हमने बताया ब्लड फ्लो इन एंटीरियरली, अब हमारा है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब होता है कि जब आपका ब्लड वेसल जो बॉडी में पीछे की तरफ से आ रहा है और ये आपके हिपेटिक रीजन से होकर गुजरे हार्ट के पास, तो हम लोग उसको पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। पोर्टल सिस्टम का मतलब यही हो गया कि ब्लड डायरेक्ट साइनस विनोसस में ना जाकर के घूम करके जा रहा है। घूमने का रीज़न भी है कि जो भी आपके लीवर में चीज़ें कन्वर्ट हुई होंगी, क्योंकि आपको पता है कि हमारा हिपेटिक पोर्टल सिस्टम या हमारे हिपेटिक में यानी लीवर में जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, यूरिया जो है वहाँ पे ऑर्निथिन साइकिल चलती है और यूरिया का कन्वर्जन होता है, तो यूरिया हमारे ब्लड में डाल दिया जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका हिपेटिक पोर्टल सिस्टम काम करता है, और ये शुरुआत है अभी कॉर्डेट के एडवांस करेक्टर की। तो इस तरीके से घूम करके हिपेटिक पोर्टल वेन से यानी हिपेटिक वेन से ब्लड ला करके आपके साइनस विनोसस में पोर कर दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट वेसल की बात करेंगे, तो नेक्स्ट वेसल इज हमारा है कार्डिनल वेन। द नेक्स्ट वेन इज कार्डिनल वेन, और अगर हम बात करें तो पोस्टीरियरली एंड एंटीरियरली इट कलेक्ट ऑल द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, पीछे से आपके और ये आगे से। अब आगे से हमारा जो भी ब्लड है वो फ्रॉम आपके वेलम, आपके एंटीरियर जो है व्हील ऑर्गन, ओरल हुड, सबसे कलेक्ट करके ये इस तरीके से ला करके, एंड इट्स जॉइन कंबाइंडली जॉइन एंड फॉर्म अ मेन वेन। ये पोस्टीरियर की तरफ से इंटेस्टाइन प्लेक्सस की तरफ से और एंटीरियरली ये मिल करके एक मेन वेन बनाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ क्यूवियर, इसको हम लोग डक्ट ऑफ क्यूवियर भी बोलते हैं, और ये डक्ट ऑफ क्यूवियर भी अपना ब्लड साइनस विनोसस में भेज देती है। तो इस तरीके से आपको कार्डिनल वेन भी समझ में आई होगी। देयर आर टू टाइप ऑफ कार्डिनल वेन, पोस्टीरियर कार्डिनल और एंटीरियर कार्डिनल। द नेक्स्ट वेन इज पेराइटल वेन, एंड ब्लड फ्रॉम द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द बॉडी, फ्रॉम आपके हम बात करें तो मायोटोम्स, फ्रॉम कॉर्डल फिन्स, ऑल ब्लड जो भी आपका पेराइटल यानी पेरीफेरी का जितना भी ब्लड था, दैट ब्लड इज कलेक्ट फ्रॉम द पेराइटल वेन, और कलेक्ट करके फिर एंटीरियरली इसको हम कहाँ भेज देते हैं, ब्लड को साइनस विनोसस में भेज देते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा पेराइटल वेन से, हिपेटिक वेन से, सब इंटेस्टाइनल वेन इस तरीके से जा करके हिपेटिक वेन में कन्वर्ट होकर के, पेराइटल वेन और कार्डिनल वेन। तो इस तरीके से सारी वेन ने अपना ब्लड दे दिया, इसने अपना ब्लड वेंट्रल एवोल्टा को दे दिया, वेंट्रल एवोल्टा ने अपना ब्लड जो है वो एफरेंट ब्रैंकियल वेन से दे दिया जो है गिल्स को, और गिल्स से फिर ब्लड कलेक्ट कर लिया गया एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी से, और ये आर्टरी ने यहाँ पे नेफ्रिडियल प्लेक्सस बनाया, ये जो है जिससे जो है आपका रिमूव कर लिया गया वेस्ट मटेरियल, और फिर ये डॉर्सल मेन डॉर्सल एवोल्टा और कैरोटिड आर्टरी में, कैरोटिड आर्टरी ने एंटीरियर सप्लाई किया और डॉर्सल एवोल्टा ने अगेन पोस्टीरियर सप्लाई किया। तो होप सो आपको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का जो है ये पूरा सिस्टम समझ में आया होगा। आइए अब हम एक इसको एक फ्लो चार्ट से समझ लें। होप सो फ्लो चार्ट के बाद आपका जो कन्फ्यूजन है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ये एक आपका फ्लो चार्ट है। बच्चों एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर पाने हैं तो आपने जो बात फिगर के माध्यम से दिखाई है उसको फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाना बिल्कुल ना भूलें। फ्लो चार्ट इज़ वेरी नेसेसरी टू गेट द गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस।
तो हम साइनस विनोसस से शुरू करेंगे क्योंकि हमने साइनस विनोसस से ही अपनी बात को शुरू किया था। तो साइनस विनोसस से जो भी सारा ब्लड अभी कलेक्ट हुआ, तो इम्प्योर ब्लड यहाँ पे आप लिख लीजिएगा डीऑक्सीजनेटेड, या ना भी लिखेंगे तो चलेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट इन साइनस विनोसस, इट गोज टू वेंट्रल एवर्टा, वेंट्रल एवर्टा से एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी ने कलेक्ट किया, एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी से यहाँ पे आपका O2 मतलब CO2 जो है चेंज कर ली गई किसके साथ, O2 के साथ, दोनों आदान प्रदान हो गया, ठीक है। अब चेंज करने के बाद जो भी और ब्लड है वो कलेक्ट किया गया इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी से, और इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी से कलेक्ट करने के बाद इसको डॉर्सल एवर्टा में भेज दिया गया। मैंने यहाँ पे लेटरल डॉर्सल एवर्टा क्यों लिखा है, क्योंकि ये लेटरल साइड में भी प्रेजेंट है, इसी से ही आपका आगे की तरफ एंटीरियर की तरफ ब्लड सप्लाई भेज दी जाती है कैरोटिड आर्टरी जो है आर्टरी से, और पीछे की तरफ ब्लड जो है डॉर्सल एवर्टा में जाता है इसको हम लोग, ठीक है। अब हम देखेंगे डॉर्सल एवर्टा ने फिर सप्लाई किया आपके पोस्टीरियर पार्ट को जो है ब्लड, और वो पोस्टीरियर पार्ट्स में आपका मायोटोम्स और आपके जो है मेटाप्लूरल फोल्ड, ये सब जो है जो भी चीज़ें थी उन सबको जो भी ब्लड सप्लाई की गई वो सब कलेक्ट किया गया और पेराइटल वेन से फिर इम्प्योर ब्लड, यहाँ जब दिया गया तो ब्लड प्योर था, अब ये सब जगहों से ब्लड यूज हुआ और पेराइटल वेन से फिर साइनस विनोसस को दिया गया, फिर आपका जो भी डॉर्सल एवर्टा में ब्लड प्योर ब्लड था वो दिया गया। अब यहाँ पे जो कॉडल वेन थी उसने सब इंटेस्टाइनल वेन में ब्लड भेजा अपना, सब इंटेस्टाइनल से हिपैटिक पोर्टल वेन में ब्लड आया, हिपैटिक पोर्टल वेन से हिपैटिक वेन में आया, और फिर हिपैटिक वेन से साइनस विनोसस को भेज दिया गया। देन लास्टली जो सबसे कार्डिनल वाली जो बात थी, तो पीछे का जो भी ब्लड था कार्डिनल वेन से एंटीरियर कार्डिनल वेन से एंटीरियर का ब्लड, और एंटीरियर कार्डिनल वेन से एंटीरियर का ब्लड, पोस्टीरियर कार्डिनल वेन से पोस्टीरियर कार्डिनल ब्लड, वो डक्ट ऑफ क्यूबियर मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर का ये टी वाला मिला जुला फॉर्म मिल करके डक्ट ऑफ क्यूबियर बनाता है, एक कंबाइंड जो है आपका वेन, और ये कंबाइंड वेन आपके साइनस विनोसस को ब्लड दे देती है। तो होप सो आपको ये फ्लो चार्ट समझ में आया हो, अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा हो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ कोई भी वो हो आपको समझ में आ रहा हो या ना समझ में आ रहा हो बात, इसको कमेंट के जरिए बताएं। अगर आपको ये लगता हो कि हम बहुत जल्दी जल्दी जो है बातों को बोल दे रहे हैं तो आप प्लीज़ वीडियो की जो है स्पीड को थोड़ा धीमा कर सकते हैं, इसमें धीमा करने का ऑप्शन होता है, इसी बहाने आप इन सब चीज़ों को जो टेक्नोलॉजी को है जो कि पैंडेमिक एरा में आप सीखेंगे भी, तो टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।